यो आकाशवाणी जम्मू है, अब्दुल मजीद ते खबर सुनो। आज मुल्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना उनका जन्म त्याड़ा पर खराजी अकीदत पेश कर रही हुए। आज के त्याड़े 1897 ना कटक उड़ीसा मा नेताजी की पैदाइश हुई थी। ते इस त्याड़ा ना पराक्रम दिवस का तौर पर मनाया जा रही है। ते सरकार ने फैसलो लियो है जे नेताजी का जन्म त्याड़ा ना हर साल पराक्रम दिवस का तौर पर मनाया जाएगो। ते इस सिलसिला में सकाफत बारे मरकजी वजारत ने साल बार बहुत सारी सरगर्मी मुनकद करान की तजवीज रखी है। वजीर आजम की सदारत में एक आला सती कमेटी नेताजी की 125वीं सालगिरह मनान का सिलसिला में तश्कील दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल पर पराक्रम दिवस तकरीब का इफ्तिताह का मौका पर खिताब वास्ते आज मगरबी बंगाल का दौरा पर जाएगा। सिलसिलावार ट्वीट में वजीर आजम ने कहा है जे मुल्क भर में बख बख प्रोग्राम के नाल नाल इस सिलसिला में एक खसूसी प्रोग्राम हरिपुरा गुजरात में मुनकद किया जा रहा है, क्योंकि 1938 में हरिपुरा सेशन में ही नेताजी कांग्रेस पार्टी का सदर बनया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म त्याड़ा का मौका पर लोगों ना आम तौर पर और नौजवानों ना खास तौर पर क्यों है जे वे नेताजी का दस्या हुआ रास्ता पर चल लें। मारा नामा निगाह ने खबर दी है जे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 3 जनवरी जन्म त्याड़ा ना पराक्रम दिवस का तौर पर मनाया जा रहा है। एक पैगाम में एलजी मौसूफ ने कहा है जे नेताजी ना मारी जाई सबसे बड़ी खराजी अकीदत वेगी कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना तावन दें ताकि मुल्क खुशहाल बन सके और समाज को हर तबको खुशहाल जिंदगी बसर करे। जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया कौंसिल की जम्मू में एक मीटिंग एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में मुनकद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में सनती पैदावार में वाधा वास्ते आला सनती ढांचा की तरक्की की खातर जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलाटमेंट पॉलिसी 2021-23 का नफाज ना मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी में सेहत इदारा मेडिसिटी ते तालीमी इदारा एजू सिटीज वास्ते भी जमीन मुख्तस रखी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत सरमायाकारा ना इब्तदाई तौर पर 40 बरह वास्ते जमीन ठेका पर दी जाएगी, जिसकी मुद्दत बाद में 99 बरह तक बधाई जा सके। अगर सरमायाकार मुकर्रा वक्त में मुअसर अकदाम चाण में नाकाम रहे तो जमीन को ठेको रद्द किया जा सके। इंतजामिया कौंसल ने PWD महकमा की तरफों J&K PWD इंजीनियरिंग मैनुअल का नफाज की मंजूरी दे दी है। ते इसको मकसद PWD महकमा का कामकाज में मजीद शफाफियत और जवाबदेही मुहैया करना है। मरकजी जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में COVID-19 टीकाकारी मुहिम मामूल के मुताबिक चल रही है। ते अजो तोड़ी इस टीका का किसी भी किस्म का माड़ा रद्दअमल को कोई मामला बंद नहीं आयो है। ऑल इंडिया रेडियो जम्मू का नामा निगाह ने खबर दी है जी सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर ते सीनियर सेहत अहदेदारा ने दस्यो है कि टीकाकारी को सिलसिलो चल रो है। ते किसी भी शख्स ने टीको लान ते बाद हस्पताल में भर्ती नहीं कियो गयो ते ना ही कोई माड़ो रद्द अमल बंद आयो है। जुमाले रोज करीब 3000 सेहत कारकुना ना जम्मू कश्मीर ड्यूटी में टीका लाया गया। अजू तोड़ी कुल 10000 के करीब सेहत एहलकारा ना जे टीका लाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर ड्यूटी में बुधवार 1.21 लाख खुराक को कोविशील्ड वैक्सीन की खेप मौसूल हुई है। जम्मू कश्मीर ड्यूटी में कल कोरोना वायरस का 88 मामला बंद आया, जिन विचों 42 सूबा जम्मू ते और 46 सूबा कश्मीर ते मस्बत आया। इस नाल जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस नाल मुतासरीन की कुल तादाद 1,23,852 हो गई है। कल सूबा जम्मू में 2 और सूबा कश्मीर में 2 अफराद की मौजी वायरस नाल मौत भी हो गई। अजू भी जम्मू कश्मीर में 1,098 मस्बत मामला है। 1,928 अफराद की इस वायरस नाल मौत हुई ते 1,20,826 अफराद शफायाब हुआ है। कल जम्मू कश्मीर सरकार ने स्कूल खोलन को हुक्मनामो जारी कर दितो है। मारा नवा निगार ने खबर दी है जी तमाम सरकारी तालीमी अदारा और शनाख्त शुदा निजी तालीमी अदारा तालीमी सरगर्मियों वास्ते सूबा जम्मू का गरमाई जोन में 9वीं जमात ते 12वीं जमात तक 1 फरवरी 2021 ते खुल जाएगा। ते इब्तदाई जमात 1ली ते 8वीं जमात तक
सूबा जम्मू का गरमाई जोन का स्कूलों में असातजा 1 फरवरी ते तैयारियों वास्ते स्कूलों में हाजिर रहेगा, जबकि तालब इलम 8 फरवरी ते स्कूलों में हाजिर रहेगा। सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू का सरमाई जोन के तहत आने वाला स्कूल मामूल के मुताबिक 1 मार्च ते खुल जाएगा। स्कूल में कोविड 19 तो बचाव बारे तमाम एहतियाती तदाबीर व सख्ती नाल अमल किया जाएगा। इसके अलावा वालदेन ग्राई तालीमी कमेटी स्कूल इंतजामिया कमेटी मैंबरान ते मुकामी सियाणा लोगों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देना लाजमी वेगो ताजे इस सिलसिला में स्कूलों की निगरानी ते इमदाद की जा सके। एक बच्चा ते दूजा बच्चा बिशकार बैसन को 2 मीटर फैसला होना चाहिए ते फासला होना चाहिए ते अगर स्कूल में जगह घट है तो बच्चा ना बारी बारी स्कूल बुलाया जाएगा या फिर दूजी तदाबीर इस्तेमाल की जाएगी। तमाम असातजा और बच्चा ना मास्क लाने वेगो, जिस्मानी दूरी बना के रखनी पेगी ते स्कूलों में असातजा और बच्चों वास्ते साबण नाल हाथ धोण को बंदोबस्त होना जरूरी है ते स्कूलों में सफाई को खातरखा इंतजाम होना लोड़ है। हर तालिब इल्म और उस्ताद ने अपनी कापी किताब पेंसिल पेन ते दूजी चीज़ अपनी लियानी वेगी ताकि एक दूजा ते कई चीज़ लेनी या देनी नहीं पे और इस पर सख्ती नाल बंदिश रहेगी। इसके नाल ही गुजरी खबरों का जो बुलेटिन खत्म हुआ।